मैं आरक्षक के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक कांकेर पर पदस्थ हूँ। एसपी कांकेर, एडिशनल एसपी साहब, पूरे दल पर, मैं छुट्टी लेकर सर माता जी का मंदिर बनवाया था, वहां माता का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था। पूरा पुलिस बल आया सर, अचानक एक लड़की को लेके आया सर, ये वो लड़की नकाबपोश थी सर। उसको दिखा कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाया, और मेरे को बोले पुलिस अधीक्षक जितेंद्र साहब इसको पकड़ो, मेरे को वहां पर मारपीट किया गया सर, पूरा कपड़ा निकाल के मारे मेरे को, केवल अंडरवियर बनियान में ही मेरे को गाड़ी में लौट किया सर। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करूंगा, यहाँ गाली ग्लोज नहीं करूंगा, मेरे को गाली ग्लोज दिया गया सर। क्या केस है आपको बताइए? ये हाँ बताइए क्या है सर, मेरे विरुद्ध सर थाना कांकेर में हाँ आईपीसी की धारा 294, 520, हाँ 186, 353, 332 हाँ एवं एसटीएससी एक्ट 3A हाँ का आरोप है सर। हाँ जी सर, क्यों लगाया आप पेपर आरोप? सर मैं आरक्षक के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक कांकेर में पदस्थ हूँ सर। हाँ ये पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक हाँ डीएम अवस्थी, हाँ पुलिस महानिरीक्षक हाँ बस्तर रेंज कल्लूरी, पुलिस अधीक्षक उनको जितेंद्र सिंह बिड़ा। हम सम्मानजनक बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना। आप जी सर, ही ऑफिसर हैं सीनियर, जी सर, डीएम अवस्थी तो डीजीपी थे ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाँ तो पुलिस। उन्हें हम अगर इस रिस्पेक्ट से बात करें तो अच्छा नहीं लगेगा, सर सॉरी सर, फिल्म क्षमा चाहता है हूँ। ना? जी सर, हाँ तो क्या है, जब आपसे पद में बड़े तो है ही हैं जी सर, और आपसे उम्र में भी बड़े हैं, जी सर, इस प्रकरण में सर मैं स्वयं पैरवी कर रहा हूँ नहीं सर, पैरवी थोड़ा करें सर कोई बात नहीं है, जी सर, लेकिन जो भारत की संस्कृति जी है सर, कि उसके अपने लिए से क्षमा बड़ों चाहता को हमें तमीज से बात करना चाहिए, तो हूँ। जी सर, ऐसा अच्छा लगता है ना। अब जी सर, कितना गंदा लग रहा है, पूरे वर्ल्ड में आपको देख रहे हैं और आप अवस्थी बोल रहे हो, कुल्लरी बोल रहे हो, आखिर वो तो भी सीनियर ऑफिसर हैं, सर ऑफिसर नहीं भी होंगे उम्र में तो विभाग बड़े हैं ही ना। में सर डायरेक्टली संबोधन किया जाता है, जैसे नहीं सर किया जाता, जी सर आ रहे श्रीमान कहते हैं, श्रीमान कहते हैं जी आरक्षक, सर, हमें मत सुनाइए, हम भी सीआरपीएफ के वकील रह चुके हैं, है ना? स्मार्टनेस उतनी दिखाइए। हाँ अपने अधिकारियों से आप थोड़ा सम्मानजनक बातें करेंगे तो ज्यादा सुनने में कानों में अच्छा लगता है। हाँ अब बोलिए। सर ये एक बैंक चला रहे थे सर, पुलिस बैंक करके सर, ये बैंक सर पंजीकृत नहीं था सर, इस बैंक में मेरा पैसा कटौती किया जा रहा था सर, प्रति महीना 500 रुपये दर से। और जैसे कि इन्होंने बताया था बैंक खोलने से पूर्व कि हम आपको लोन देंगे, अन्य सुविधा दूसरे बैंक के तुलने में ज्यादा देंगे, ज्यादा ब्याज देंगे, जब कभी पैसा मांगोगे तो पैसा देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ सर। बैंक खोलने के बाद बैंक तो खोल लिए, परमिशन भी नहीं लिए थे सर। क्या होता है पुलिस विभाग में डायरेक्टली हम लोग बिजनेस पर बिजनेस नहीं कर सकते, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 में इसको उल्लेख है सर, हाँ ठीक है, ये पढ़े थे सर, बताइए, बताए बोलते जाइए, पहले केस के फैक्ट बताइए आप। पैरा 64 में इसका उल्लेख है सर। हाँ ठीक है, मैंने देखा सर कि पुलिस विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विनियम पैरा 64 का उल्लंघन कर रहे सर, अच्छा तो मैंने इस मेरे को बर्दाश्त नहीं हो सर, तो मैं देखा मेरा पैसा भी कटौती अवैध तरीके से किया जा रहा है, मैं अच्छा अच्छा विभाग का कनिष्ठ कर्मचारी हूँ सर, और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, मेरे साथ नहीं जिले का 1866 कर्मचारी साथ किया जा रहा है। अच्छा अच्छा तो मैंने इसमें RTI फाइल किया था सर, तो उसकी एप्लीकेशन इस पेटिशन में आया था, कृपया हाँ करके अवलोकन कर लेते कर सर। लेंगे। हाँ बताइए फिर क्या हुआ। अच्छा तो सर इन्होंने मेरे को 100 कोस नोटिस जारी कर दिया, जानकारी मैं जो चाहा था सूचना के अधिकार के तहत, वो जानकारी मेरे को नहीं दिए सर, हाँ और मेरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, क्यों ना आपको सेवा बर्खास्त किया जाए। हाँ मैं भयभीत हो गया सर। हाँ इसके बाद मैंने अधिवक्ता मुकेश श्रीवास्तव के माध्यम से या WPS फाइल किया सर हाई कोर्ट में, कि मेरे को मेरे विरुद्ध जो माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जितेंद्र सिंह द्वारा नोटिस किया गया, जारी किया गया अवैध है सर, और उसकी सूचना मैंने पुलिस अधीक्षक कांकेर को दी सर, जिसमें इस चीज का उल्लेख किया कि मैंने जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लिया पुलिस अधीक्षक कांकेर से, तब इन्होंने मेरे को स्लिप का नोटिस जारी किया है, तो डर के मारे पुलिस बैंक को बंद कर दिया, और पुलिस बैंक में जो जमा राशि था लगभग 2 करोड़ रुपया पैसे सर, उसका भी कागज इसमें लगाया सर, उसको रिटर्न कर दिया सर। इसके बाद सर इन्होंने देखा कि मैं इनके ऊपर हावी होते जा रहा हूँ, छोटा सा आरक्षक है और मेरे ऊपर विभाग के ऊपर हावी हो रहा है,
अगर इसके अगेंस्ट कुछ इलीगल वर्क करते हैं तो तुरंत एक्शन में आ जाता है करके, दोनों आपराधिक षड्यंत्र केस सर मतलब इस फर्जी प्रकरण के साथ। कैसे इन्होंने सबसे पहले सर उप इस निरीक्षक कमला कुशाल को, जो कि सब इंस्पेक्टर पद पर थाना भानुप्रतापपुर में थे सर, तरह घटना वर्ष 14/4/2016 की है सर, 8 साल पुराने की घटना है, से उसको सबसे पहले थाना कांकेर में डिप्लॉयमेंट किया सर, तैनाती की उसकी। उसके बाद सर इन्होंने जो घटना दिनांक है 14/4/2016 को सर थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक आरपीसी श्रीमान श्रीमान थाना प्रभारी, इनकी सरकारी ड्यूटी थाना कांकेर में से भीमराव अंबेडकर में रामनवमी कार्यक्रम रिलीफ ड्यूटी में लगाई थी सर। इसकी रोजनामचा थाना A7 147 में संलग्न है। क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, कमला कुशाल की ड्यूटी थाना कांकेर में घटना दिनांक को मात्र 12:30 बजे तक की थी सर, ओनली 12:30 बजे तक। इस दौरान एसपी कांकेर श्रीमान एसपी कांकेर एडिशनल एसपी साहब पूरे दल पर अनुभागीय अधिकारी 3:20 सर समय, उतना समय मेरे यहाँ भागवत हो रहा था, श्रीमद देवी भागवत सर। मैं छुट्टी लेकर सर माता जी का मंदिर बनवाया था, वहां माता का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था सर, और भागवत पर बैठे थे सर मैं। पूरा पुलिस बल आया सर घटना स्थल मेरे घर, जो कि सर पुलिस हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी है, इसको सफर करने में आधे घंटे का समय लगता है श्रीमान। मेरे घर आए और मैं उस समय पीला वस्त्र धारण करके सफेद धोती पहना हुआ था सर, और मैं चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहना था सर, क्योंकि पूजा स्थल में बैठा था मैं हाँ और भागवत करा रहा ठीक है। हाँ था। अचानक एक लड़की को लेके आया सर ये लोग, वो लड़की नकाबपोश थी सर, हाँ उसको दिखा कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाया, हाँ और मेरे को बोले पुलिस अधीक्षक जितेंद्र साहब इसको पकड़ो, हाँ मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करूंगा या गाली गलौज नहीं करूंगा, मेरे को गाली गलौज दिया गया सर हाँ है ना। उसके बाद मेरे को हथकड़ी लगा लिया गया सर, हाँ हथकड़ी लगा के मेरे को पुलिस गाड़ी में हाँ बैठाया गया सर। हाँ मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो भी मेरे परिवारजन थे बीच बचाव करने का प्रयास किए, मेरे पिताजी भी सब इंस्पेक्टर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी कांकेर में सर, मतलब मैं पुलिस परिवार का हूँ, अनुशासित परिवार का हूँ सर, और पुलिस के बारे में बचपन से जान रहा हूँ। इसके बाद मेरे को सीधा थाना कांकेर से सॉरी वहां से मेरे को डायरेक्ट कोर्ट में पेश कर दिया सर, डीजे साहब कांकेर के पास में। वहां पर हमको माननीय मजिस्ट्रेट साहब द्वारा पूछा गया कि तुमको, अच्छा मेरे को वहां पर मारपीट किया गया सर, पूरा कपड़ा निकाल के मारे मेरे को, केवल अंडरवियर बनियान में ही मेरे को गाड़ी में लोड किए सर हथकड़ी लगा के। वहां से मेरे को सीधा ले गए कहाँ, मेरे को थाना नहीं ले गए सर, सीधा कोर्ट ले गए अच्छा, ये जो बातें बता रहे हो जी सर, उसका साक्ष्य है कुछ आपके पास है ना सर। क्या? हाँ